बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये जी हमारा लेक्चर नंबर 8 है, और उससे पहले थोड़ा सा पैराग्राफ लेक्चर नंबर 7 में दिया हुआ था इसका, ट्रांजिशन ग्राफ का। तो इसको देख लेते हैं हम। ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है जी? ये ऐसा ही होता है जैसा कि होता है फिनाइट ऑटोमेटा, बट ये उससे थोड़ा सा आसान है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है जब आपको डिफ़िकल्ट जो है वो कंडीशंस दे दी जाएँ, लेकिन डिफरेंस क्या जी, डिटेल से देखते हैं। टी जी होता क्या जी? टी जी इज़ अ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? सबसे पहली बात तो ये कि इसमें फिनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट्स होते हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि फिनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट्स होते हैं। एफ ए में भी एटलीस्ट एक इसकी इनिशियल स्टेट होती है, और हो सकता है या तो कुछ इसकी फाइनल स्टेट्स हों या फिर कोई भी ना हो। ठीक है, तो ये तो हमने एफ ए में भी देखा था। आगे क्या जी? फिनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होने चाहिए। एफ ए में भी यही बात थी कि फिनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होने चाहिए। उसके बाद क्या है जी? फिनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होनी चाहिए। ये भी हमने एफ ए में देखा था। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या? फिनाइट ऑफ सेट ऑफ ट्रांजिशंस दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन रीडिंग स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग्स ऑफ इनपुट लेटर्स। जो आपके पास इनपुट लेटर्स हैं उनकी रीडिंग पे बेस करती है कि कितनी आपकी ट्रांजिशंस होंगी, क्योंकि ट्रांजिशंस ने बेसिकली एक पाथ की तरह काम करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, पॉसिबली इवन द नल स्ट्रिंग। ये है जी इम्पॉर्टेंट बात। इसमें नल स्ट्रिंग्स जो हैं वो भी एक्सेप्ट करवाई जा सकती हैं। इस तरह से एक्सेप्ट करवाई जा सकती हैं कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाते हुए नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा के भी जा सकते हैं। आगे देखें जी, पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट टी जी जो है ये ऐसी चीज़ है कि इसमें देयर मे बी मोर देन वन। अच्छा, मैं आपको ये सिंपल अल्फाज में समझाती हूँ। या तो ये हो सकता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक पाथ के लिए, किसी भी एक सर्टेन स्ट्रिंग के लिए या तो एक पाथ होगा या फिर एक से ज़्यादा पाथ्स भी पॉसिबल हैं। ये पॉसिबल है कि आप किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा पाथ्स बना सकें, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि किसी स्ट्रिंग के लिए कोई पाथ हो ही ना। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब ये है कि हमें एफ ए में हर स्टेट के ऊपर ट्रांजिशंस लगा के हर लेटर के लिए कोई ना कोई पाथ जो है वो देना होता था हर लेटर के लिए। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस हम लोगों ने जो स्ट्रिंग जनरेट करवानी है हमने उसके पाथ्स ड्रॉ करने हैं। लेकिन जब एफ ए में हम लोग ऐसा करते थे कि जो स्ट्रिंग जनरेट करवानी है उसके पाथ्स ड्रॉ कर दिए, और जो स्ट्रिंग जो है वो मतलब जो बाकी के बच जाते थे स्टेट्स में, सारा वेस्ट बच जाता था, क्योंकि हमें हर स्टेट के ऊपर हर लेटर के लिए ट्रांजिशन शो करवानी होती थी। जो वेस्ट बच जाता था उसको हम लोग डेड स्टेट्स में डाल दिया करते थे या वेस्ट बास्केट्स में डाल दिया करते थे। तो यहाँ पे ना तो डेड स्टेट्स बनाने की ज़रूरत है ना वेस्ट बास्केट बनाने की ज़रूरत है। आपको वैसे ये भी ज़रूरत नहीं है इतनी पड़ी हुई ना, कि जब भी नल स्ट्रिंग जनरेट करवानी है तो आप अपनी इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बनाएं। कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसकी। आप जैसा कि यहाँ पर कर रहे हैं आप इसी तरह से करें, आराम सुकून से नल स्ट्रिंग जनरेट करवाएं, मतलब नल स्ट्रिंग को पास करवा के एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर चले जाएं। अब उन्होंने कहा है जी क्या बनाएं? ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। जो नल स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करे, तो ये तो ए प्लस बी का होल का क्लीन स्टार क्लोजर हो गया ना। तो वो किस तरह से होगा? नल स्ट्रिंग मतलब एक आपके पास इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है। नल स्ट्रिंग का आप लोगों ने पाथ बना दिया हुआ है, और इनिशियल स्टेट पे भी लूप लगा दिया, फाइनल स्टेट पे भी लूप लगा दिया। लेकिन इसका वो वाला जो एफ है ना वो मुझे बहुत पसंद है, ये वाला छोटू सा, ये वाला एफ है प्यारा सा। आपके पास एक ही स्टेट है, उसी को इनिशियल कह लें, उसी को फाइनल कह लें, और उसके ऊपर एक लूप लगा दें, तो ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर बन गया। मज़े का है ना। आगे देखें जी, इनिशियल स्टेट भी यही है, फाइनल स्टेट भी यही है, और मतलब नल स्ट्रिंग जनरेट हो गई ना, फिर ए बी और फिर फाइनल स्ट्रिंग के ऊपर लूप लगा दें। अब आगे देखते हैं जी, ये सारे के सारे क्या आपको शो करवा रहे हैं? क्लीन स्टार क्लोजर शो करवा रहे हैं। अभी तक तो हो सकता है आप लोगों को कोई ऐसा लंबा चौड़ा डिफरेंस ना नज़र आया हो। इन तीन जो एफ एज हैं इनसे आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि नल स्ट्रिंग जो है उसको हम लोग पास करवा सकते हैं, यानी नल स्ट्रिंग बगैर कुछ प्रिंट करवाए आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा सकते हैं। ये टीजीज देख लें जी तीनों। पहला टीजी देखें, ये पहला यहाँ पर रख लेते हैं। ये पहला टीजी देखें जी, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट है, कोई फाइनल स्टेट नहीं है, कोई चीज़ जनरेट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये कुछ भी जनरेट नहीं करेगा, ये एम्प्टी लैंग्वेज जनरेट करेगा। ठीक है, इसको देख लें, इनिशियल स्टेट तो है, ठीक है, ए बी बी जा रहा है, ट्रांजिशन बनी हुई है,
लेकिन फाइनल स्टेट नहीं आएंगे। तो ये जो है ये क्या है, ये भी कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगी। ये वाली जो टीजी है ये भी सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब जिस लैंग्वेज में कुछ है ही नहीं, तो जैसा मर्जी आप एफए बनाएं, जैसा मर्जी टीजी बनाएं, जब कुछ प्रिंट ही नहीं होना। तो अच्छा जी आगे देखें, इनिशियल स्टेट है, ए बी भी है, ये जो फाइनल स्टेट है इसके ऊपर लूप भी लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ एफ लूप मतलब फाइनल स्टेट किस तरह से है, ना तो इसको डबल सर्कल किया हुआ है और ना ही इसके साथ प्लस लगाया हुआ है, तो ये भी कुछ भी जनरेट नहीं करेगी। ये तीनों एफ इज़ रॉन्ग है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको, जो डिफरेंस वाली बात है वो ये है कि जो ये वाला एफ है, इस एफ में नज़र आपको सॉरी जो ये वाला टी जी है आपको नज़र आ रहा है कि ये बस टी जी ही है। क्यों, किस तरह से पता चला कि ये बस टी जी है? इस तरह से पता चला क्योंकि इस वाले में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट बनी हुई है, ना तो इसके ऊपर कहीं पे भी ए या बी कोई भी ट्रांजिशन नहीं जा रही, यानी एक स्टेट है लेकिन स्टेट के ऊपर दोनों लेटर्स के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो ये क्या है, ये टी जी है, फिर ये एफ ए नहीं हो सकता। अब ये वाली देखे सेकेंड वाली, ये क्या है, ये भी सिर्फ टी जी है। कैसे पता चला ये सिर्फ टी जी है? हालांकि अगर आप इनिशियल स्टेट को देखें तो इनिशियल स्टेट से ए बी दोनों के लिए एक रूट बना हुआ है, लेकिन जो हमारी फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट के ऊपर ए या बी का कोई भी रूट नहीं बना हुआ, कोई ट्रांजिशन नहीं बनी हुई। अगर हम थर्ड वाली को देखें तो थर्ड वाली में ए और बी पे ट्रांजिशन बनी हुई है। जो हमारी इनिशियल स्टेट है ये भी ए और बी को पास करवा रही है, यानी इनिशियल स्टेट पे ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है, चाहे वो एक ही लाइन ड्रॉ की गई है। और जो हमारी सेकंड स्टेट है, अभी फाइनल तो नहीं है ना, इसके साथ प्लस नहीं लगा हुआ, अब ये जो हमारी सेकंड स्टेट है इसके साथ भी ए और बी का आउट पाथ उन्होंने किया हुआ है, लूप बनाया हुआ है। तो ये जो सेकंड, ये जो हमारी टीजी नंबर थ्री है ना, टीजी नंबर थ्री को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एफ ए भी है, ये एफ ए भी है, लेकिन जो ऊपर वाली दोनों हैं वो सिर्फ और सिर्फ टीजीज हैं, वो एफ ए नहीं है। अब ये देखें इसके अंदर इन्होंने ये बात बताई होगी, ये रही, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कहाँ गई कहाँ गई, हाँ ये वाली रही जी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या है जी इंपॉर्टेंट लाइन? इट मे बी नोटेड दैट एफ ए एंड टी जे एज वेल, इट मे बी नोटेड दैट एवरी एफ ए इज ए टी जे एज वेल। जितने भी आपके पास एफ एज हैं ये सब के सब टी जेज होते हैं, टी जेज तो होते ही होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि टी जे की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो, तो एफ ए में स्ट्रिंग तो जनरेट होती होती है, लेकिन जितने भी टी जेज हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एफ ए हों। जैसे देखे ना, ये टी जी नंबर थ्री ये एफ ए था, लेकिन टी जी नंबर वन टी जी नंबर टू ये दोनों जो थे ये एफ ए नहीं थे, फिनाइट ऑटोमेटा नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनके ऊपर हर स्टेट पे हर लेटर के लिए ट्रांजिशन नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ एमसीक्यू में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, और ये इन दोनों के एफ ए और टी जे के डिफरेंस में भी पूछी जा सकती है कि जितने भी एफ एज हैं वो सबके सब टी जी होते हैं, लेकिन जितने भी टी जी हैं वो एफ ए हों या ना हों ये ज़रूरी नहीं है, उनके मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लैंग्वेज देख लेते हैं जी, एक ऐसी लैंग्वेज जो बी से स्टार्ट हो रही है, बहुत सिंपल, इनिशियल स्टेट बनाएं, एक फ़ाइनल स्टेट बना दें, बी को एक्सेप्ट करवा दें, और बी जो है मतलब जो आपके पास फाइनल स्टेट है उसके ऊपर ए बी लगा दें। क्योंकि आपको याद होगा हम लोगों ने जो हर बार मैं पहले ये कहती होती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देख लिया करें, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है बी से स्टार्ट हो उसके बाद कुछ भी आ जाए, तो ये लैंग्वेज इस तरह से बी से स्टार्ट हुई, मतलब इनिशियल से आप लोग बी अब पास आउट करवा दिया, तो पहले तो बी प्रिंट होगा, उसके बाद ए बी का लूप लगाया हुआ तो बाद में कुछ भी प्रिंट होता रहेगा। ऐसी लैंग्वेज जो बी पे एंड ना हो, नॉट एंडिंग इन बी, तो फिर किस पे एंड हो, या तो एम्प्टी स्ट्रिंग पे एंड हो, या फिर किस पे एंड हो, या फिर वो एंड होगी ए पे। तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, ये इसका बन जाएगा आरी, ठीक है, और पहले नल स्ट्रिंग और उसके बाद क्या है ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर, और एंड पे आना चाहिए ए क्योंकि नॉट एंडिंग इन बी है। तो आप इनिशियल स्टेट के ऊपर एक तो जो है वो लगा देंगे लूप ए बी का, तो पहले कुछ भी प्रिंट होता रहेगा, फिर आप लोग ए वाली को फाइनल बना देंगे और नल स्ट्रिंग वाली को फाइनल बना देंगे। अब वहाँ अगर यही एफ ए होता तो हम लोग कुछ ना कुछ ए के लिए भी ज़रूर ड्रॉ करते, और फिर या तो उसको नल स्टेट बना देते, और बिल्कुल हमें उसको नल स्टेट या डेड स्टेट बल्कि उसको बनाना पड़ना था। लेकिन अगर हम इसको ट्री स्ट्रक्चर से करने की कोशिश करते तो हम लोग क्या करते, हम उसको फाइनल स्टेट ना बनाते, ऐसे ही है ना जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ट्री स्ट्रक्चर देखा था। तो
तो हम उसको फाइनल स्टेट नहीं बनाते। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा पॉइंट पे आए, उसको ड्रॉ किए और बात खत्म। कंटेनिंग डबल ए, कंटेनिंग डबल ए में क्या बनेगा जी? रेगुलर एक्सप्रेशन, पहली बात तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, पहले कुछ भी आए बाद में कुछ भी आए सेंटर में डबल ए आए, और उसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप लोग इसका ड्रॉ कर लेंगे टी जी। कैसे? सेंटर में डबल ए यानी डबल ए पास आउट हो रहा है, इनिशियल पे भी लूप लगा दो, फाइनल पे भी लूप लगा दो, बस हमारा काम खत्म। हैविंग डबल ए और डबल बी, डबल ए और डबल बी को आप लोगों ने शो करवाना है इसका किस तरह से बनेगा रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आप देख लें तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है ये वाला, ठीक है? पहले कुछ भी आएगा बाद में कुछ भी आएगा सेंटर में, ए प्लस बी बी। एक्चुअली ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशन और ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एग्जांपल्स, ये लैंग्वेजेस भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं, लेकिन टीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट जो है ना वो थी कि इसके अंदर हम लोग एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट करवा के भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा सकते हैं, दूसरी बात ये कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी स्ट्रिंग्स हमें नहीं चाहिए यानी जितने भी लेटर्स की ट्रांजिशंस की ज़रूरत नहीं है हमें, वो बनाना बनानी ही नहीं है इसमें, ठीक है? बगैर बनाए भी हमारा काम चलता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है बनाने की, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक से ज़्यादा पाथ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको देखें, डबल ए या डबल बी आना चाहिए, ये पहला ए गया, ये दूसरा ए, ये पहला बी गया, ये दूसरा बी गया, और स्टार्टिंग में और एंड पे हम लोगों ने कुछ भी ड्रॉ कर दिया, मतलब ए बी का लूप लगा दिया ना, तो कुछ भी ए और बी के कंकैटिनेशन में प्रिंट होता रहेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है कि आपको इस तरह के लंबे चौड़े डायग्राम्स बनाएं ना, एक ही लाइन और उसके ऊपर ए ए बी बी। अब मैंने कहा था ना कि आप एक ही स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा पाथ भी बना सकते हैं, अब आपके पास पाथ एक ही है, आपने ड्रॉ एक ही की है लाइन, एक ही एरो हेड है, लेकिन आपने उसके ऊपर कितने एलिमेंट्स भेज दिए, 1 2 3 4, ए ए बी बी, ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें बहुत खुली इजाज़तें हैं सारी, ठीक है? अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, आगे वाला इसका देखें जी पाथ। अगला इसका एक और उन्होंने टीजी बना के आपको दिखाया, इस टीजी में उन्होंने क्या किया हुआ है कि पहली स्टेट दूसरी स्टेट जो सिर्फ ए को लेके जा रही है, और फिर तीसरी स्टेट और चौथी स्टेट जो है वो सिर्फ बी को लेके जा रही है। अब इन इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, अगर आप इस वाली को देखेंगे, पहले वाले टीजी को आप अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इन्होंने स्टेट्स के नाम नहीं दिए हुए, बस इनिशियल और फाइनल स्टेट रखी हुई है, लेकिन इसमें उन्होंने स्टेट्स को लेबल किया हुआ है, 1 2 3 4, और उन्होंने ये बताया कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। क्या ज़रूरत पड़ गई वहाँ पर तो नहीं लिखा, तो यहाँ पर स्टेट्स को लेबल क्यों किया? अगर हम लोग इसमें स्टेट्स को लेबल नहीं करेंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ये कलेक्टिवली एक ही टीजी है, ठीक है? तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको ये मेंशन करना, मतलब स्टेट्स को लेबल करना पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कि ये एक ही टीजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।